आमिर लियाकत की बेवा का विरासत में हिस्सा लेने का फैसला। वकील से कितने पैसे तय हुए, रकम इतनी के यकीन करना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान के मारूफ टीवी मेजबान और सियासी शख्सियत आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की तीसरी अहलिया दानिया शाह ने उनकी विरासत में से अपना हिस्सा हासिल करने के लिए वकील की खिदमात 2 करोड़ रुपए में हासिल करनी है। तहम अभी तक इस रकम की अदायगी की सिर्फ आमिर ही भरी है। दानिया शाह और आमिर लियाकत की अजदवाजी जिंदगी तनाज़ात का शिकार बनी। दानिया शाह ने मुबैना तौर पर आमिर लियाकत की मुतनाज़े और नाज़ेबा वीडियो लीक की, जिसके बाद आमिर लियाकत मुश्किल में दिखाई दिए। एक मौके पर उन्होंने दानिया को माफ करने का ऐलान भी किया, लेकिन जल्द ही तन्हाई में उनकी मौत हो गई। आमिर लियाकत हुसैन की मौत के बाद दानिया शाह उनकी विरासत में अपना हिस्सा हासिल करना चाहती हैं, और इसके लिए उन्होंने एक बार फिर कानूनी चाराजुई का फैसला कर लिया है। सोशल मीडिया फार्म फेसबुक पर एक वीडियो जेरे गर्दिश है, जिसमें दानिया शाह को अपने वकील के हमरा देखा जा सकता है। मस्कुरा वकील ने अपने वीडियो बयान में इंकशाफ किया कि दानिया ने उन्हें विरासत का केस लड़ने के लिए 2 करोड़ रुपए दिए हैं। वीडियो में वकील ने कहा कि सब मुझसे मेरा जरिए मुआश पूछते हैं, तो आज मैं बता देता हूँ कि मैं अल्लाह के बंदों की मदद करता हूँ, जिसके सिले में अल्लाह मेरी मदद करता है।